हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पैरेलल इक्विवेलेंट कैसे, पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट में क्या क्या होता है उसके बारे में हमने देखा था। हमने ये देखा था कि सबसे पहला पॉइंट क्या था कि व्हेन एवर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर्स विल बी क्या होगा, सेम। हमने देखा था कि V1 equal to V2 equal to V3 dash dash equal to क्या होगा Vn if n number of capacitors are connected in parallel। उसके बाद हमने देखा था कि चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल मे बी क्या होगा, सेम और मे नॉट बी सेम डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटेंस। इफ ऑल कैपेसिटर्स विल हैव इक्वल कैपेसिटेंस देन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा, सेम होगा। बट इफ द कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर नॉट सेम देन चार्ज विल नॉट बी सेम। दिस मीन्स दैट कि चार्ज जो है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर जो होगा वो टोटली क्या होगा, कैपेसिटेंस पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। सीरीज में ऐसा नहीं था, सीरीज में क्या था कि कैपेसिटेंस का सेम वैल्यू हो या अलग अलग वैल्यू हो लेकिन चार्ज जो सभी कैपेसिटर्स कनेक्टेड है सीरीज में उन पे क्या होगा, सेम होगा। तो हमने ये देखा था कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ग्रेटर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मोर कैपेसिटर विल स्टोर द चार्ज एंड वाइस वर्सा। उसके बाद हमने देखा था कि एनर्जी स्टोर्ड जो है अगेन क्या है, किस पे डिपेंड करता है कि व्हेन एवर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल डिपेंड ऑन क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, एनर्जी कैपेसिटर जो होगा क्या होगा, ज्यादा स्टोर करेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और यदि कैपेसिटेंस क्या हो जाए, सभी कैपेसिटर्स का क्या हो जाए, सेम हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, सभी कैपेसिटर्स में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो क्या होगा, इक्वल अमाउंट का होगा। एनर्जी क्या होगा, इक्वली क्या होगा, स्टोर्ड होगा व्हेन कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन। उसके बाद हमने देखा था कि जब क्या होगा, सीरीज इक्विवेलेंट सॉरी पैरेलल इक्विवेलेंट में क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज सॉरी इन पैरेलल। और बाद में मैंने ये बताया था, क्या बताया था कि पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज सेम एज सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स, सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज सेम एज पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स। तो आपको क्या करना है, ये चीज माइंड में रखना है। फिर मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि यदि n कैपेसिटर्स हो जिनका कैपेसिटेंस क्या हो, सीरीज में जिनका कैपेसिटेंस क्या हो, इक्वल हो, पहले हमने उनको क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो CP इक्वल टू क्या होगा, n इंटू C हो जाएगा। बाद में हमने क्या किया, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो CS जो होगा वो क्या होगा, C अपॉन क्या होगा, n होगा। तो हमने ये देखा था कि CP जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ क्या होगा, देयर सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमने देखा था, कभी कभी ये पूछा भी जाता है। इसके बाद लास्ट में मैंने बताया था कि जनरली आपको यदि दो कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं उनका कैपेसिटेंस क्या है, C1 एंड C2 है, और मान लो कि चार्ज क्या क्यू आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, चार्ज जो होगा वो क्या होगा, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या हुआ, जिसकी कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, वो चार्ज को क्या करेगा, ज्यादा स्टोर करेगा। तो हमने देखा था कि इस केस में चार्ज जो होगा क्या होगा, Q1 इक्वल टू क्या था, C1 अपॉन क्या था, C1 इंटू Q1 क्यू अपॉन क्या था, C1 प्लस C2। Q2 इक्वल टू क्या था, C2 इंटू क्यू अपॉन क्या था, C1 प्लस C2 था। तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है।
अब हम क्या करेंगे इससे, आपको ये भी मैंने बताया था कि जब भी आपसे कोई पूछे कैपेसिटर्स दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि आप इसको किस तरह अरेंज करोगे कि आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलेगा और मिनिमम कैपेसिटेंस मिलेगा, तो आपको ये माइंड क्या है, मैंने क्या बताया था कि व्हेन एवर यू वांट टू मैक्सिमम कैपेसिटेंस, मैक्सिमम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देन ऑलवेज अरेंज देम इन पैरेलल, एंड इफ यू वांट टू गेट मिनिमम कैपेसिटेंस, मिनिमम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देन यू ऑलवेज कनेक्ट देम इन सीरीज। तो आपको ये चीज मैंने बताया। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे कि पैरेलल इक्विवेलेंट कैसे सोचते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, सिंपल सिंपल हम एग्जांपल देखेंगे, पहले हम समझेंगे कि देखो ये क्या है, तीन कैपेसिटर्स है जिनका कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, सेम भी दिया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ए मान लो कि 4 माइक्रोफेराड है, ये क्या है 8 माइक्रोफेराड, और ये क्या है 2 माइक्रोफेराड। इसको क्या किया गया है, एक बैटरी से क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है, जिसका ईएमएफ क्या है 20 वोल्ट है बैटरी, है ना। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन द क्या है, इन द शोन फिगर, फिगर फाइंड, फाइंड क्या है, फाइंड क्या क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सेकंड में क्या है, सेकंड में आपको क्या है, चार्ज ऑन क्या है ईच कैपेसिटर, और सी में जो आपको मैं बताऊं, सी सी में क्या है, एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड बाई क्या होगा ईच कैपेसिटर, डी जो है क्या है, एनर्जी आई मीन एनर्जी क्या होगा, वर्क ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन, कभी कभी वर्क डन बाय द क्या होगा बैटरी, और इसी को हम क्या बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी, बाय द क्या होगा बाय द, क्या होगा इस एक ही में, देखो हम सभी क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, पहले क्या है, ध्यान से पहले आपको जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो आपको क्या देखना है कि ये जो कैपेसिटर्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है या क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पहले हम क्या देखें, पहला क्या है आई मीन ए देखो, तो ध्यान से देखोगे तो ये सभी आई मीन सभी जो कैपेसिटर्स है उनके अक्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि सिंस, यहां लिख सकते हैं सिंस पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ द क्या होगा ऑफ द बैटरी, और यूं बोल सकते हैं, और हम ऐसे बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ ऑल कैपेसिटर, ऑल कैपेसिटर्स आर क्या है आर सेम, एंड यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू, इक्वल टू ई एम एफ क्या है, इक्वल टू ई एम एफ ऑफ द क्या है बैटरी, हैंस क्या है हैंस, हैंस हैंस ऑल कैपेसिटर्स क्या लिख सकते हैं, हैंस ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, क्या होगा हैंस ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन क्या होगा पैरेलल, हम लिख सकते हैं हैंस, क्या लिख सकते हैं हैंस ऑल कैपेसिटर्स, क्या लिख सकते हैं
हेंस ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन क्या होगा पैरेलल क्या होगा हेंस ऑल कैपेसिटर्स आर यहाँ लिख सकते हैं हेंस ऑल क्या होगा ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन क्या होगा इन पैरेलल तो पैरेलल के लिए आप जानते हैं कि NCP इक्वल टू क्या होगा C1 प्लस क्या होगा C2 प्लस C3 अब आप वैल्यू रख दो तो 4 प्लस क्या होगा 8 प्लस क्या होगा 2 कितना हुआ माइक्रोफैरड यही हुआ ना तो हम बोल सकते हैं कि CP इज इक्वल टू क्या होगा CP इक्वल टू कितना हुआ 14 माइक्रो क्या हुआ पहला आंसर मिल गया उसके बाद सेकंड आंसर क्या है देखो बी में क्या है कि क्या ने कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन क्या होगा ईच कैपेसिटर क्या होगा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर तो देखो इधर ध्यान से देखना आप देखोगे तो यही क्या है सर्किट है 20 वोल्ट का क्या है बैटरी है इस पे यदि मैं मान लूं इस पे क्या होगा Q1 ये क्या है 4 माइक्रोफेराड है ये क्या है 8 माइक्रोफेराड है और इसका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेराड अब इस पे Q1 मान लूं इस पे Q2 इस पे Q2 इस पे क्या होगा Q3 आप आसानी से बता सकते हैं इसमें भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कैपेसिटर जो है वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा क्या होगा व्हिच कैपेसिटर विल स्टोर मोर चार्ज इन द सोन फिगर तो ऑब्वियसली क्या होगा सबसे ज्यादा चार्ज कौन स्टोर करेगा हम यहाँ बोल सकते हैं क्यों हम यहाँ बोल सकते हैं कि क्या होगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा C तो हम बोल सकते हैं कि Q2 इज क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा Q1 इज ग्रेटर देन क्या होगा Q3 ये आप आसानी से क्या कर सकते हो लिख सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा चार्ज ऑफ चार्ज क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चार्ज जस्ट मैंने ये बता दिया कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सबसे ज्यादा क्या होगा चार्ज क्या होगा स्टोर करेगा तो आपको क्या याद रखना है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा C व्हेन क्या होगा कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो ये अभी क्या है उसके बाद हम जानते हैं कि सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस इसका जो हम कैपेसिटेंस लिखें इसका जो हम Q इक्वल टू CV यूज करें तो क्या लिख सकते हैं देखो तो Q1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 इंटू हम क्या लिख सकते हैं V कितना है 20 तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा 80 माइक्रो क्या हो जाएगा कूलम यही होगा ना उसी तरह हम लिख सकते हैं Q2 इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू क्या होगा 20 क्या लिख सकते हैं 8 इंटू क्या होगा 20 कितना हो जाएगा 160 माइक्रो कूलम और Q3 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू क्या होगा 20 कितना हो जाएगा 40 क्या होगा माइक्रो कूलम अब आपसे कोई पूछे कि Q इक्वल टू क्या होगा Q का मतलब क्या हुआ चार्ज सप्लाई बाय द क्या होगा बैटरी क्या होगा चार्ज सप्लाई बाय द क्या होगा बैटरी तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा चार्ज हम लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू क्या होगा Q1 प्लस क्या होगा Q2 प्लस क्या हो जाएगा Q3 एक तो ये भी मेथड है तो हम क्या लिख सकते हैं देखो 80 प्लस क्या लिखेंगे 160 प्लस 40 कितना हो जाएगा 140 प्लस क्या लिखेंगे नहीं 120 प्लस क्या लिखेंगे 160 कितना हो जाएगा 280 माइक्रो क्या हुआ कूलम तो यही क्या हुआ चार्ज सप्लाई बाय द क्या हुआ चार्ज क्या हुआ सप्लाई बाय द क्या होगा बाय द क्या होगा बैटरी बाय द दूसरे तरह से हम ऐसे भी सोच सकते हैं देखो मैंने ये बताया था कि क्या दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं कि Q इक्वल टू क्या होगा CP इंटू क्या होगा V ऐसे भी हम सोच सकते हैं तो क्या होगा Q इक्वल टू क्या होगा CP कितना मिला है इंटू क्या होगा तो देखो तो यहाँ से भी क्या हुआ 280 माइक्रो कूलम आ गया तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो इस मेथड को भी यूज करके आप क्या कर सकते हो तो अपने को मालूम चल गया कि सभी कैपेसिटर्स पे क्या है
पोटेंशियल सभी कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा Q1 Q2 Q3 क्या होगा, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसमें उसके बाद क्या पूछा गया है कि एनर्जी क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड बाय द क्या होगा कैपेसिटर। तो अभी देखो पोटेंशियल पूछा जाएगा, यहां से आपसे पूछा जाएगा कि पोटेंशियल सी में मान लो कि आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, तो हम क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर कितना होगा, यहाँ भी लिख सकते हो पहले कैपेसिटर इक्वल टू, चलो हम C4 मान लेते हैं, इसको चलो हम C1 मान लेते हैं, इसको C2 और इसको क्या मान लेते हैं C3, तो हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 20। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितना होगा, चलो क्या होगा U4 एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, हम यहां से बता सकते हैं U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा C होगा। अगेन आप देख करके बता सकते हो, क्या बता सकते हो, देख करके बता सकते हो कि एनर्जी सबसे ज्यादा कौन स्टोर करेगा, यहां लिख सकते हो देखो कौन सा स्टोर करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि U8 क्या होगा, यहां लिख सकते हो U8 इज ग्रेटर देन क्या होगा U4 इज ग्रेटर देन क्या होगा U2। U8 का मतलब क्या हुआ, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस एट माइक्रो फैराड, तो क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। लेकिन अपने को क्या करना है, एक्चुअल में वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एक्चुअल में वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, हमने C1 माना है किसको 4 को, C1 C2 C3, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड बाय क्या होगा 4 माइक्रो फैराड, तो इसको हमें U4 कंसीडर कर लेते हैं, तो U4 इक्वल टू क्या होगा 1/2 C इंटू क्या होगा V2। यदि मैं कैलकुलेट करूं 1/2 इंटू 4 इंटू 400 तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 तो 800 क्या होगा माइक्रो क्या हो जाएगा जूल। इसको आप ऐसे भी सिंप्लीफाई तो 0.8 मिली क्या हो जाएगा जूल, ये U4 हो गया। सिमिलरली क्या हो सकता है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं सिमिलरली क्या लिख सकते हैं U8 इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू 8 इंटू क्या होगा 400, तो ये क्या लिखोगे 1600 माइक्रो जूल, क्या होगा 1.6 मिली क्या होगा जूल हो जाएगा। उसी तरह U2 आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कितना होगा 1/2 इंटू 2 इंटू क्या होगा 400, ये कितना हो जाएगा 0.4 माइक्रो क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय ऑल द कैपेसिटर कितना होगा, देखो तो यहाँ लिख सकते हैं U इक्वल टू क्या होगा, U इज इक्वल टू U4 प्लस क्या होगा U2 प्लस क्या हो जाएगा U8, टोटल एनर्जी स्टोर, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड बाई क्या होगा ऑल कैपेसिटर्स, ठीक है। इसको ऐड करो देखो कितना होगा क्या होगा 0.8 प्लस क्या होगा 1.6 प्लस क्या होगा 0.4, ठीक है, सॉरी ये गलत बोल दिया यहाँ मिली है ना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 8। अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 1.2 प्लस 1.6 मिली जूल, कितना हो जाएगा 2. क्या हो जाएगा 8 मिली जूल क्या होगा एनर्जी स्टोर। अब हमको निकालना है क्या कि वर्क डन और एनर्जी सप्लाई बाय द क्या होगा बाय द बैटरी,
तो क्या बताया था, Q इंटू क्या होगा, EMF ऑफ द बैटरी, और Q कितना था देखो ध्यान से, 280 माइक्रो कूलम इंटू क्या था 20, क्या होगा। अब आप सिंप्लीफाई करोगे देखो ध्यान से, तो हम क्या लिख सकते हैं 280 माइक्रो कूलम, तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, कितना होगा 5, कितना होगा माइक्रो जूल हो जाएगा, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 5.6 माइक्रो। तो यहां से भी देखोगे कि बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई किया, 5.6 जूल, ऑल कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है, 2.8 मिली। यहां भी क्या है कि टोटल एनर्जी सप्लाई 50% ऑफ एनर्जी बीइंग स्टोर्ड बाय द ऑल कैपेसिटर आउट ऑफ टोटल एनर्जी सप्लाई बाय द क्या होगा बैटरी, कितना होगा। यहां से भी प्रूफ हो गया क्या कि एनर्जी लॉस कितना होगा, यहां आपसे कोई पूछ सकता है कि एनर्जी लॉस कितना होगा, तो एनर्जी लॉस इक्वल टू क्या होगा, तो 20.8 मिली क्या होगा जूल हो जाएगा। आई मीन 50% एनर्जी क्या होता है, लॉस हो जाता है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में 50% एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है, और 50% ही एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ सम देखेंगे। जैसे देखो अगला एग्जांपल दिया हुआ है कि एक है सी 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 सी, है ना, तो आपसे कोई पूछेगी फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन क्या होगा, बिटवीन ए एंड क्या होगा बी, दैट इज क्या लिखेंगे यहाँ, सी ए बी। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि ए और बी के बीच। अब इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सीरीज और पैरेलल दोनों है, तो आपको ध्यान से देखना है। देखो ध्यान से क्या है, आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं क्या है, ए वाला, ये हम बोल सकते हैं कि क्या है, दीज कैपेसिटर्स आर क्या है, कनेक्टेड इन क्या होगा, सीरीज। अब आप बोलोगे कैसे, देखो ध्यान से, इधर से मन में अपने से चार्ज कुछ कंसीडर कर लो, तो देखो तो यही चार्ज इस पे आएगा, यही चार्ज इस पे, और यही चार्ज क्या होगा, इस पे होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर्स हैं उनको क्या करेंगे, हम सीरीज इक्विवेलेंट से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो सर्किट क्या करना है, तुमको रीड्रॉ करते जाना है, क्या करना है, सर्किट को क्या करना है, रीड्रॉ करते जाना है। ये क्या हो गया ए, और क्या होगा बी, अगेन ए सी, और ये क्या होगा, ए सी हो गया। अब यहां मुझे क्या करना है, यहां ध्यान से देखो, यही क्या होगा, सी एस हो जाएगा, और मैंने बताया था कि सी एस इक्वल टू क्या होगा, इधर कैलकुलेट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, याद करना। अब आप ध्यान से देखना क्या होगा कि ए वाला जो दोनों होंगे ये क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, क्या होंगे, आई मीन सी और सी एस, सी एंड क्या होगा सी एस आर, इन क्या होगा पैरेलल। तो अगेन क्या करेंगे, इनके इक्विवेलेंट से क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब एक इक्विवेलेंट सीपी से क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। ये क्या हो गया आपका ए, और ये क्या हो गया बी, ए सी, और क्या होगा सी, और सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस सी एस। तो हम क्या लिखेंगे, सी प्लस क्या होगा सी एस, तो सी प्लस सी बाई 3, आई मीन कितना होगा 4c बाई क्या हो जाएगा 3। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों क्या होंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों जो है वो क्या चीज में है, पैरेलल सीरीज में, क्या है सीरीज। अब हम क्या करेंगे, इनको एक
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आई मीन हम क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, सी एस डैश मान लेते हैं क्योंकि हमने सी एस इधर कंसीडर किया है, इनसे क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे ए, और ये क्या हो जाएगा बी, और यही क्या होगा सी एस डैश कितना हो जाएगा अगेन, देखो कितना होगा, तीन के लिए मैंने बताया था कि सी वन सी टू सी थ्री अपॉन क्या होगा सी वन सी टू प्लस सी टू सी थ्री प्लस सी थ्री क्या होगा सी, बताया था ना, तो यहाँ जब कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, देखो सी स्क्वायर इंटू फोर सी बाई क्या होगा थ्री अपॉन सी स्क्वायर प्लस क्या होगा टू इंटू फोर सी बाई सी स्क्वायर बाई क्या होगा थ्री, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक कितना आएगा सी स्क्वायर आई मीन कितना हो जाएगा फोर, है ना, इधर लिख देता हूँ सी एस, सी एस डैश इज इक्वल टू क्या होगा फोर सी बाई क्या होगा थ्री इंटू कितना हो जाएगा एलेवन बाई थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा तो फोर सी अपॉन क्या हो जाएगा एलेवन आ जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि सी इक्वेलेंट कितना होगा, तो यही क्या होगा दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा सी इक्वेलेंट बिटवीन क्या होगा ए बी, तो सी इक्वेलेंट बिटवीन ए बी कितना मिला, कितना मिला सी इक्वेलेंट बिटवीन ए बी कितना मिला, देखो ध्यान से कितना मिला 4c अपॉन क्या हुआ 11, क्या मिला 4c अपॉन 11। आपको क्या करना है कि सीरीज पैरेलल चेक करते जाना है और इक्विवेलेंट से क्या करना है रिप्लेस करते जाना है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि हेंस क्या हुआ, हेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड क्या हुआ ए एंड बी कितना हुआ सी ए बी इक्वल टू क्या हुआ फोर सी अपॉन क्या हुआ क्या होगा फोर सी अपॉन क्या हो जाएगा एलेवन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दूसरा देखो कि क्या है, और ये डैश डैश क्या है इन्फिनिटी, ऐसे मान लो ये सी 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 क्या होगा सी सी, है ना, देखो तो आपको क्या करना है, आपको यही दिया हुआ है ए ए एंड हुआ और ये क्या हुआ बी, यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन है आपसे पूछा भी जाएगा, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ क्या फाइंड, फाइंड सिंपल क्या है सी ए बी, सी ए बी का मतलब क्या हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन क्या होगा ए। अब आप देखो ध्यान से देखो इसका सर्किट सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या होगा ये सीरीज में हो जाएंगे, ये भी तीनों क्या होंगे सीरीज में हो जाएंगे, तो जब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे ड्रॉ करोगे सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट, तो इक्विवेलेंट सर्किट जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा देखो इधर एक कैपेसिटेंस ये हो जाएगा, उसके बाद आपको ही मालूम है कि इक्वल क्या होगा इक्वल कैपेसिटेंस होता है, तो कैसे सी एस इक्वल टू क्या लिखते हैं सी अपॉन एन, एन क्या है नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये कितना हो जाएगा सी बाई टू हो जाएगा, सी बाई टू हो जाएगा, उसी तरह ये क्या हो जाएगा सी बाई थ्री हो जाएगा, उसी तरह ये क्या हो जाएगा सी बाई फोर, ए सी हुआ सी बाई टू, ये क्या हुआ सी बाई फोर, ये सी बाई क्या हुआ कितना होगा सी बाई कितना हो जाएगा सी बाई कितना हो जाएगा सी बाई टू, सी बाई फोर यहां सॉरी यहां क्वेश्चन में फोर कंसीडर कर लेना टू फोर, है ना, उसके बाद एक और दिखा देता हूं मैं, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एंड डैश डैश इन्फिनिटी मान, ठीक है ए सी बाई कितना हो जाएगा एट, उसके बाद क्या होगा डैश डैश क्या होगा इन्फिनिटी, ये आपका ए हो गया और ये क्या हो गया बी, पहले देखो क्या है पहले यहाँ क्या है एक कैपेसिटर है यहाँ दो यहाँ फोर और यहाँ क्या है एट, उसके बाद सिक्सटीन, उसके बाद ऐसे ही क्या होगा, तो अब क्या हो गया देखो ये सभी पैरेलल में हो गए क्या, तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं इसके बाद अब लिख सकते हैं और पैरेलल में है तो हम क्या लिख सकते हैं
देखो तो एक सिंगल कैपेसिटर से हम क्या कर सकते हैं, इनको रिप्लेस कर सकते हैं, ये सीपी होगा, क्या होगा सीपी, और यही क्या होगा ए एंड बी। तो हम लिख सकते हैं कि सीपी इज इक्वल टू सी ए बी, और सीपी कितना होगा सी वन प्लस सी टू प्लस प्लस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर अब क्या है कैपेसिटर है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा देखो क्या होगा, यहां मैं लिखूं, यहां मैं लिखता हूं, देखो सी टी इक्वल टू सी प्लस सी बाय टू प्लस सी बाय फोर प्लस सी बाय एट प्लस वन। यहां आप लिख सकते हो कि सी पी इक्वल टू क्या होगा सी इंटू क्या लिखोगे वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय टू स्क्वायर प्लस वन बाय टू क्यू प्लस वन बाय टू रेस टू फोर प्लस प्लस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है कितना हो जाएगा सी इंटू क्या लिखेंगे, क्या होता है ए अपॉन क्या होता है वन माइनस आर होता है, यही होगा ना। अब यहाँ सी ए क्या है वन है, तो वन अपॉन वन माइनस क्या होगा वन अपॉन टू, आई मीन क्या हो जाएगा टू सी हो जाएगा। तो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन क्या हो जाएगा टू सी, तो यही क्या होगा आंसर आ जाएगा, क्या होगा ऐसे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तभी हमने क्या देखा कि यदि सी पी या सी ए बी कनेक्ट कैलकुलेट करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस सीरीज और पैरल आपको पहचानना है कि कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में है और कौन कौन से कैपेसिटर क्या है पैरल में है, वैसे वैसे क्या करना है इक्विवेलेंट से क्या करना है, सीरीज इक्विवेलेंट और पैरल इक्विवेलेंट से क्या करना है आपको रिप्लेस करते जाना है और फिर आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो और आपको समझ में आना चाहिए, दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल अगेन यहाँ यहाँ अब देखो यहाँ ध्यान से क्या है, ये देखो ध्यान से ये क्या है ए बी, यहाँ हमने सी और डी सबका कैपेसिटेंस क्या है सेम है सी 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 सी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो फाइंड फाइंड इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस बिटवीन बिटवीन पॉइंट्स, क्या होगा पॉइंट्स ए में लिखना है ए एंड क्या होगा बी, बी में क्या लिखना है ए एंड क्या होगा सी, सी में क्या लिखना है ए एंड क्या है ए एंड। आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, आपको किसके किसके बीच कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है ए बी, पहले क्या करना है ए बी। अब याद रखना है कि जिधर चार्ज फ्लो नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जनरली आपको बुक में मिलेगा, तो आपको ये माइंड में रखना है कि जिधर क्या होगा चार्ज, अब हम क्या करेंगे जिसके बीच कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है उधर हमको देखना है सीरीज पैरेलल देखना है ना। तो देखो सॉल्यूशन में यदि हम क्या करें सॉल्यूशन सोचें तो पहले क्या कैलकुलेट करना है ए एंड बी, क्या करना है ए एंड बी आपको क्या करना है, तो आपको ऐसे सोचना है कि जिस दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है उसमें क्या करना है आपको बैटरी क्या करना है कनेक्ट कर लो, ऐसे मान लो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लो क्या होगा ए आपको सोचना, कुछ नहीं ट्राई करना है, ट्राई करने से आएगा आंसर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। और अब देखो यहां किसके बीच कैलकुलेट करना है ए और क्या है बी के बीच, आप मुझे बताओ इधर कोई चार्ज क्या होगा फ्लो होगा क्या, इधर कोई चार्ज फ्लो होगा इधर, तो हम लिखेंगे क्या होगा
कि जब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ए और बी के बीच क्या होगा, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होगा। तो देखो ध्यान से क्या होगा कि आप यदि चार्ज के बारे में सोचो, चलो हम इधर से बैटरी कनेक्ट कर दें, तो यहां से क्या होगा क्यू जाएगा, है ना। यहां जब आएगा तो इसके दो रास्ते हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा क्यू टू, और इधर क्या हो जाएगा क्यू वन जाएगा। अगेन जब यहां आएगा तो दो रास्ते, लेकिन इधर चार्ज कहां फ्लो होगा, क्योंकि सर्किट क्या है इनकम्प्लीट है, इधर सर्किट ही नहीं है, चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। इधर इधर क्या होगा, इस पार्ट में क्या होगा, चार्ज क्या होगा, चार्ज विल नॉट फ्लो, क्या होगा चार्ज विल क्या होगा विल नॉट फ्लो इस दोनों कैपेसिटर पे। क्या होगा जब दोनों पे चार्ज नहीं फ्लो होगा तो वो सर्किट में कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है उससे अपने को क्या है कोई मतलब नहीं। देखो जब ये क्या होगा, ये चार्ज क्या होगा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, और जब यहाँ आएगा तो अगेन क्या हो जाएगा क्यू फ्लो हो जाएगा। तो जिस कैपेसिटर के थ्रू चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है वो क्या होता है इनएक्टिव होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे यहाँ, हेंस हम लिखेंगे क्या कि हेंस यहाँ लिख सकते हैं कि चार्ज विल नॉट फ्लो, हेंस क्या होगा, हेंस दे आर क्या होगा, दे आर इनएक्टिव, दे आर इनएक्टिव, अभी भी क्या होंगे इनएक्टिव हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे लिखे उनको, सर्किट से हम मानेंगे कनेक्ट ही नहीं है सर्किट में। तो यहां हम क्या करेंगे, सर्किट कनेक्ट कर लिए ऐसे। अब तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो ए बी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगेन क्या होंगे, एक कैपेसिटर मैंने छोड़ दिया यहाँ, अगेन ए क्या होंगे, ए तीनों क्या होंगे सीरीज में, फिर ए पैरेलल, फिर इन सभी का इक्विवेलेंट, ए कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ये कितना हो जाएगा सी बाई थ्री सी। तो हम डायरेक्ट लिखें सर्किट कुछ ऐसे हो जाए, ए बी ये क्या होगा सी बाई थ्री सी सी। तो अभी हमने शायद देखा था ए कितना होगा, इसको अभी हमने कैलकुलेट किया था सी ए बी, आपको कैलकुलेट करना हो तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 4C/11 आया था, क्या है 4C/11 क्या है 11 आया था। सिमिलरली आप क्या करोगे, ए और क्या है डी के बीच कैलकुलेट करना है, तो देखो कौन सा इनइफेक्टिव हो जाएगा, जिसके थ्रू चार्ज नहीं फ्लो होगा, याद रखना है द कैपेसिटर थ्रू विच चार्ज विल नॉट फ्लो विल बिहेव लाइक इन इन एक्टिव कैपेसिटर, सिंपल याद रखना है, नोट में मैं यहां लिख देता हूं, क्या है नोट में यहां क्या कर रहा हूं मैं लिख देता हूं, दोज क्या होगा दोज कैपेसिटर थ्रू विच क्या होगा विच चार्ज विल क्या होगा विल नॉट फ्लो, दोज कैपेसिटर थ्रू विच चार्ज विल नॉट फ्लो विल बी है विल बी क्या होगा विल बी, दोज कैपेसिटर थ्रू विच चार्ज विल नॉट फ्लो देन क्या होगा देन दे विल बी क्या होगा इनएक्टिव इनएक्टिव इन द क्या होगा सर्किट, हेंस क्या हेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग क्या होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निगलेट देम, ये चीज आपको माइंड, ठीक है। तो और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है आप उसको क्या करना खुद से सॉल्व कर लेना, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और सम देखेंगे। ओके थैंक यू।